आयर एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके तानाशाही करके लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। न्यायालय से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, अब लोअर कोर्ट से खारिज हो गया है और हाई कोर्ट में अपील डाल दी गई है। ये मई के महीने की तस्वीरें हैं जब संजय सिंह के घर ईडी की रेड हुई थी। गिरफ्तारी से पहले संजय सिंह ने देश को संबोधित किया था और फिर गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने जमकर बवाल काटा था। साल 2023 बीत गया, नया साल आ गया, संजय सिंह का संघर्ष जारी है, जमानत के लिए जद्दोजहद बरकरार है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के वक्त जिस तरीके से उनका परिवार भावुक हुआ था, दिल में क्रोध और आंखों में आंसू थे, आज फिर वही भावनाएं एक बार फिर उनकी पत्नी अनीता सिंह के दिल में बह रही है। वजह है संजय सिंह के राज्यसभा के लिए रीनोमिनेशन का मुद्दा। दरअसल आम आदमी पार्टी संजय सिंह को एक बार फिर से राज्यसभा में देखना चाहती है। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह को मनोनीत भी कर दिया है, लेकिन सवाल ये उठा था कि वो जेल से इसके लिए आवेदन कर पाएंगे या नहीं। इसके लिए संजय सिंह ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आवेदन भी दिया था। दिल में आशंका थी कि जैसे बार बार संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज होते जा रही है, कहीं राज्यसभा रीनोमिनेशन के आवेदन को भी कोर्ट खारिज न कर दे। लेकिन संजय सिंह और उनके परिवार के लिए कोर्ट से अच्छी खबर आई है, कोर्ट ने उन्हें जेल से ही नॉमिनेशन के लिए अनुमति दे दी है। ऐसे में अब उनकी पत्नी भावुक हो गई, उनको इस बात की खुशी तो है, लेकिन संजय सिंह के जेल में होने का गम भी साथ में साल रहा है। सुनिए संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने क्या कुछ कहा है। संजय जी को दोबारा राज्यसभा नामित करने के लिए बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी का दिल से आभार है कि उन्होंने एक गार्जियन के रूप में अभी संजय जी जेल में है और वो पूरा जो एक बड़े भाई का फर्ज होता है वो पूरा निभा रहे हैं। जैसे दिवाली में भी आए थे तो अभी तक वो बड़े हैं और उनका हमेशा साथ रहा है, तो अभी हम लोग उनसे मिलकर आए हैं तो बोले कि संजय भी हमारा दोस्त है, संघर्ष का साथी है, तो उसको तो जाना ही था, तो आज वो गए हैं। तो थोड़ी खुशी भी है, मन में थोड़ा सा मलाल भी है कि अगर आज होते तो शायद आज दुगनी खुशी होती, आज यहाँ पे वॉलंटियर का वो होता, ढोल मजी रहे होते। लेकिन ठीक है, एक दिन वो बाहर आएंगे, फिर उसी उत्साह के साथ फिर से वॉलंटियर अपना काम करेंगे और भाई के साथ अपने। न्यायालय से आप लोगों को कितना उम्मीद है? अभी आप तो देख रहे हैं, न्यायालय से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, अब लोअर कोर्ट से खारिज हो गया है और हाई कोर्ट में अपील डाल दी गई है, अपील वहां से भी खारिज हो जाएगा, ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा। लेकिन अभी जो मनीष जी का देखा गया है तो उससे तो नहीं लग रहा है कि न्याय मिलेगी, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है, जैसा भी होगा संघर्ष करेंगे हम लोग, अंदर से संघर्ष कर रहे हैं और उनका सपोर्ट सब कर रहे हैं। भले ही संजय सिंह आम आदमी की पार्टी की तरफ से एक बार फिर से राज्यसभा सांसद बन जाए, लेकिन जब तक वो जेल से बाहर नहीं निकलते ना तो उनकी पार्टी और ना ही उनका परिवार चैन से बैठ पाएगा। तभी तो संजय सिंह की पत्नी अनीता ने कहा कि संघर्ष अभी जारी है। जाहिर है जब तक संजय सिंह को जमानत नहीं मिलती यह संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। इस खबर में बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।